तो अब हम बात करेंगे जून 2023 करंट अफेयर्स की। बात करें जून 2023 में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो थे हमारे पास करंट अफेयर के रेफरेंस में, उसकी बात करें तो अराउंड हम 135 क्वेश्चंस करेंगे, है ना। सो चांसेस हैं कि भाई 99% क्वेश्चन, 99 तो नहीं बोलूँगा, 100% क्वेश्चन यहाँ से आए, इससे बाहर कहाँ से आ जाएगा भाई, बिकॉज हर डायमेंशन कवर है ना। यूपीएससी में नहीं पूछा था, न्यूज़ में क्या था, यूपीएससी ने पूछा था न्यूज़ में जो था उसके बारे में आप बस सब चीज़ें पता है कि नहीं है, तो हम यहाँ पे पता करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। नए पैटर्न में होगा, जो असेसमेंट रीजन वाइज होते हैं क्वेश्चन उस प्रकार से होंगे, है ना, जो हलवे क्वेश्चन नहीं होंगे भाई, अच्छे खासे क्वेश्चन होंगे, दमदार क्वेश्चन होंगे, डिफिकल्टी लेवल के साथ होगा, वो तो पता ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस न्यूज़ में था भाई, है ना, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में हमको बताना है, क्या मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून डिसीज है। बिल्कुल सही है, एक ऑटो इम्यून डिसीज जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। इट मेनली अफेक्ट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। गलत बात है भाई, मैंने बोला ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है ये। करंटली देर इज नो क्योर फॉर द डिसीज। बिल्कुल सही, अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जनरली हम इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। सो दिस इज करेक्ट, हमारे पास करेक्ट पूछा गया है, ट्रू पूछा गया है। ट्रू क्या हो जाएगा, ओनली टू स्टेटमेंट्स, सो वन का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करनी है, क्वेश्चन का लेवल ईजी है क्योंकि डिलिमिटेशन न्यूज़ में था, तो उसके रेफरेंस में हमको पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बोथ द सेंटर एंड द स्टेट कैन सेट अप डिलिमिटेशन कमीशन फॉर द डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। क्या दोनों क्या कर सकते हैं भाई, डिलिमिटेशन कमीशन जो सेंट्रल एंड स्टेट दोनों सेटअप कर सकते हैं। नो, जो डिलिमिटेशन कमीशन है ना भाई, उसको सिर्फ और सिर्फ सेंटर कर सकता है, बिकॉज डिलिमिटेशन कमीशन इज बाय द प्रेसिडेंट, इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। दिस इज इनकरेक्ट। आर्टिकल 82 एंड 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलोज फॉर सेटिंग अप डिलिमिटेशन कमीशन आफ्टर एवरी सेंसेस। बिल्कुल सही है, आर्टिकल 82 जो है ना, आर्टिकल 82 के हिसाब से सिर्फ सेंटर है ना, वो हमारे पास। ओके सो 170 के हिसाब से हमारे पास जो स्टेट है वो अपने पास डिलिमिटेशन कमीशन बना सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई इसके जो ऑर्डर है ना, इट कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। ये याद रखना, डिलिमिटेशन कमीशन के जिसका जो ऑर्डर है, इट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। ओके करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा, ये तो करेक्ट है ना, आंसर हो जाएगा बी टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। हमको बात किसकी करनी है, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है सर्कुलर इकोनॉमी के। प्लैंड ऑब्सोलेंस ऑफ प्रोडक्ट, है ना, जो प्लैंड ऑब्सोलेंस ऑफ प्रोडक्ट होता है वो एक हमारे पास सर्कुलर इकोनॉमी का एग्जाम्पल नहीं है। जो इंड होता है ना, इंड ऑफ प्लैंड ऑब्सोलेंस, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। इंड ऑफ प्लैंड ऑब्सोलेंस, दिस मीन्स हमारे पास क्या करेंगे, रीयूज करेंगे, है ना, रिपेयर करेंगे, है ना, रिफर्बिश करेंगे, रिसाइकल करेंगे। अगर हम प्लैंड एब्सेंस करते हैं, जिससे क्या होता है भाई, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास वेस्ट जनरेट होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको इसको इंड करेंगे। इंड करना इज द टाइप ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। एक्सीडेंट प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल सही है, एक तरह सर्कुलर इकोनॉमी है यार, जो बना रहा है, सपोज कोई आदमी फ़ोन मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो खत्म करने के बाद फ़ोन की जो पार्ट्स हैं उसको भी यही लेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको डिस्पोज ऑफ करें। एंड बैनिंग ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इज ऑल्सो सर्कुलर इकोनॉमी, बिल्कुल सही है। तो एग्जाम्पल्स पूछा तो ओनली टू आर एग्जाम्पल्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी दी फॉलोइंग इज आर ट्रू। ट्रू पूछा है रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड्स। हमको बात किसकी करनी है, ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड्स की बात करनी है। ओके डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई। सच नोड्स कैटर टू द लॉजिस्टिक बॉडीज ऑफ ऑल थ्री सर्विस ऑफ द इंडियन मिलिट्री, दी आर्मी, दी नेवी एंड दी एयरफोर्स। ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोट्स जो हैं, ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोट्स जो होते हैं, है ना, ये तीनों के नीड्स को फुलफिल करते हैं। बिल्कुल सही है ना। राइट नाउ वी हैव थ्री सच नोट्स विच हैव बीन ऑपरेशनलाइज। अभी हमारे पास कितने नोट्स हैं भाई, तीन नोट्स हैं। बिल्कुल सही है।
एंड द जॉइंट ऑपरेशन डिवीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच नोड। बिल्कुल सही है, जो जॉइंट ऑपरेशन डिवीजन है जिसको हेड क्वार्टर कौन करता है, जो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है वो इसको हेड क्वार्टर करता है ना, ये स्टेबलाइज करता है इन नोड्स को। बिल्कुल सही है, तो हमारे पास कट हो जाएगा, ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉर्ड बुद्धा इमेज इज समटाइम्स शोन विथ हैंड जेस्चर्स कॉल्ड दी भूमि पश्चिम मुद्रा। भूमि पश्चिम मुद्रा हमको बात किसकी करनी है, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, भूमि पश्चिम मुद्रा में देखने को मिलता है समटाइम जो लॉर्ड बुद्धा का इमेज है, और ये क्या सिंबलाइज करता है ये बताना है। भूमि पश्चिम मुद्रा क्या सिंबलाइज करता है भाई, भूमि पश्चिम मुद्रा ये सिंबलाइज करता है बुद्धा कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस इट्स प्योरिटी एंड चेस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मारा। ओके, जो भूमि पश्चिम मुद्रा है ये बताता है अर्थ को कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस इट्स प्योरिटी एंड चेस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मारा, है ना। ये बताता है कैसे कि दुनिया के जो मोह माया से उसे दूर हो जाना, है ना, ये बता रहा है जो अपने पास भूमि पश्चिम मुद्रा है वो। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ट्रू बताना है रिगार्डिंग द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में बताना है भाई, डिफिकल्टी लेवल डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, एंड इट इज लॉन्च बाई इंडिया प्राइम मिनिस्टर इन 2005। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कब लॉन्च किया गया था, है ना, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो था 2022 में लॉन्च किया गया था, एंड नॉट बाई 2015, है ना। टोक्यो के अंदर इट हैज फोर डिफाइंड पिलर ऑफ कोऑपरेशन। बिल्कुल सही है, इसके फोर डिफाइंड पिलर ऑफ कोऑपरेशन है जिसमें हमारे पास क्या आता है, ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्लीन एनर्जी, है ना, क्लीन एनर्जी एंड डीकार्बोनाइजेशन एंड टैक्स एंड एंटी करप्शन, ये चार पिलर्स हैं इसके अंदर। एज ऑफ नाउ इट हैज 14 मेंबर्स। यस बिल्कुल सही है, यहाँ पे 14 मेंबर्स हैं अभी। ट्रू हमसे पूछा गया तो ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा सी, आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। हमको बात किसकी करनी है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करनी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के लिए ट्रू क्या है, दे आर एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं क्या, बिल्कुल सही है, बिकॉज दे ओरिजिनेट इन दी मेडिटेरियन सी, है ना, मेडिटेरियन रीजन में ओरिजिनेट करते हैं, इसीलिए एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के एग्जाम्पल है। एंड दे अफेक्ट इंडिया ओनली, देखो ओनली बिटवीन नवंबर एंड मार्च, देखो भाई, है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत बार ऐसे देखने को मिला कि इंडिया जो था, है ना, वो इनके अलावा भी इसको देखने को मिलता है, अप्रैल में भी देखने को मिलता है, सो इट इज़ इनकरेक्ट, है ना। दे कैन एक्वायर मॉइस्चर एज फार एज दी एटलांटिक ओशन। बिल्कुल सही है, जो एटलांटिक ओशन से है, यूरोप से, वहाँ से भी मॉइस्चर लेके इंडिया में बारिश कराते हैं ये। टू हमसे पूछा तो ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। देख लिया, ये वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के लिए ट्रू बताना है। एंड दे ट्रावर्स थ्रू 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, देखो भाई प्रीवियस क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आ चुका है, हिमालयस वाला। एंड दे है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बिल्कुल सही है भाई, वेस्टर्न घाट्स एंड सुंडालैंड जो है इंडिया के अंदर चार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जिसमें हिमालयस आता है, इंडो बर्मा आता है, सुंडल मतलब जो अंडमान एंड निकोबार हो गया, या वेस्टर्न घाट हो गया। एंड दे आर इम्पॉर्टेंट वाटर डिवाइड इन इंडिया। बिल्कुल सही है ना, ये वाटर डिवाइड का काम भी करते हैं ये बहुत ज़्यादा, है ना, जो ईस्टर्न फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स है ना, उनको डिवाइड करते हैं फ्रॉम दी, ये ईस्टर्न फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स हैं, कुछ मालाबार कोस्ट में भी फ्लो करते हैं, तो एक वाटर डिवाइड का भी काम करते हैं ये। ट्रू पूछा गया है, ट्रू हो जाएगा ऑल। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो मेघ दूध वाटर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है, जो मेघ दूध ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है उसके बारे में हमको बताना है। मेघ दूध ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द रिवर, कौन से रिवर के साथ रिलेटेड है भाई, मेघ दूध ड्रिंकिंग वाटर रिवर, है ना, ये रिवर कावेरी के साथ रिलेटेड है, ठीक है, ये रिवर कावेरी के साथ रिलेटेड है। और ये बात की जाती है कि मेघ दूध ड्रिंकिंग वाटर जो प्रोजेक्ट है, ड्रिंकिंग वाटर जो प्रोजेक्ट है, वो पानी किसको देगा, बेंगलुरु सिटी को पानी देगा, है ना। यहाँ पे एक और ट्रिब्यूटरी भी इन्वॉल्व है, अरकावती, अरकावती ट्रिब्यूटरी है भाई, उसके साथ ये रिलेटेड है। एंड सिटी जिसको ये पानी देने की बात करते हैं वो कौन सी सिटी है, बेंगलुरु। ओके
क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर ऑफ गवर्नमेंट और आरबीआई टेक टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी। कौन सा स्टेप गवर्नमेंट नहीं लेगी है ना टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 में आ चुका है, तो इस प्रकार क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आ सकते हैं, इसलिए हमको ध्यान रखना है ना। कर्बिंग इम्पोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, बिल्कुल सही है। ये गवर्नमेंट ये स्टेप ले सकती है जिससे क्या करें हमारे पास जो इंडियन रूपी जो डिप्रिसिएट हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, उसको रोक सकें। एनकरेजिंग इंडियन बॉरोअर टू इशू रूपी डोमिनेटेड मसाला बॉन्ड, यस, इंडियन रूपी ऊपर जाएगा। ईजिंग कंडीशंस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, बिल्कुल सही है। एंड फॉलोइंग एन एक्सपांसनरी मॉनेटरी पॉलिसी, देखो भाई एक्सपांसनरी मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन लाता है, इन्फ्लेशन से क्या होगा इंडियन रुपी और डिप्रिशिएट करेगा, सो ये नहीं लेना चाहिए, ये स्टॉप करने के लिए ये स्टेप्स नहीं लेना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, डी 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, मीडियम है। द ग्रेट स्टूपा एट सांची हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द एम्परर अशोका रिजिन, हमें अशोका के समय सांची का स्तूपा बनाया गया था क्या, अशोका के समय सांची का स्तूपा बनाया गया था क्या, क्या ये सही है? नहीं भाई गलत है, बिकॉज ऐसा लगेगा लोगों को है ना, लेकिन ये सही है भाई, अशोका के समय बनाया गया था और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था यूनेस्को ने, ठीक है ना, है ना। 3rd century BC में बनाया गया था, 3rd century BCE। अशोका स्पोक ऑफ बुद्धिज्म ओनली टू हिस कोलिंगोनिस्ट एंड नॉट टू अदर्स, बिल्कुल सही है ना। कोलिंगोनिस्ट मतलब और को रिलीजनिस्ट है ना, जो इसके रिलीजन को बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे उस पर, को रिलीजनिस्ट पर बहुत ज़्यादा भरोसा जो बहुत करीब के लोग थे जो अपने इसके रिलीजन के बहुत ज़्यादा करीब थे उन्हीं को ये बताते थे बुद्धिज्म के बारे में, बाकी ये हर रिलीजन को रेस्पेक्ट करते थे यार, ठीक है ना। एंड द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वेड और कन्वीन्ड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ अशोका, गलत बात है। जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल था वो किसके समय हुआ था भाई, जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल था है ना वो किसके समय हुआ था, किंग काल अशोका के समय हुआ था, काल अशोका के समय हुआ था सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। काल अशोका किसके थे, काल अशोका बिलोंग टू दी सिसी नागा डायनेस्टी, ओके है ना। सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा भाई, करेक्ट हमसे पूछा गया तो ओनली टू इज करेक्ट, तो 11 का आंसर हो जाएगा बी। 12 है विथ रेफरेंस टू द इंश्योरेंस सेक्टर, हमको बात किसकी करनी है, इंश्योरेंस सेक्टर की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, बीमा सुगम एन ऑनलाइन पोर्टल विच इज वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेरीज। बीमा सुगम क्या है भाई, एक ऑनलाइन पोर्टल है ना, जो कि सारे इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेरीज को देखता है, बिल्कुल सही है। हमसे कैटली मैच पूछा गया है ना। एंड बीमा वाहक इज टास्क टू सेल एंड सर्विस सिंपल पैरामेट्रिक बंडल इंश्योरेंस प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है। जो बीमा वाहक है वो क्या है, इज सेल एंड सर्विस सिंपल पैरामेट्रिक बंडल है। एंड बीमा विस्तार क्या है भाई, अ सोशल सेफ्टी नेट प्रोडक्ट टारगेटिंग अनटैप्ड जियोग्राफीज, बिल्कुल सही है। बीमा विस्तार क्या है, एक सोशल सेफ्टी नेट है जो कि टारगेट करता है किसको, अनटैप्ड जियोग्राफीज को, बिल्कुल सही है। जहाँ पे ये जहाँ पे इंश्योरेंस नहीं दिया था वहाँ पे फोकस करते हैं बीमा विस्तार, विस्तार मतलब बढ़ाना, वाहक मतलब सर्विस, सुगम मतलब वन स्टॉप, ठीक है। तो इसे याद रखना सुगम, याद रखने का सुगम में वन स्टॉप याद रखना है अपने को। वाहक के अंदर हमारे पास सेल एंड सर्विस एंड विस्तार के अंदर अनटैप्ड जियोग्राफीज की बात करेंगे, तो यहाँ पे करेक्ट क्या है, ऑल थ्री आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। द फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज एस्टेब्लाइज्ड बाई ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833।
पहली बार जो लॉ कमीशन था वो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंडर बना था क्या? बिल्कुल सही है भाई। एंड द लॉ कमीशन रिकमेंडेड, और लॉ कमीशन रिकमेंडेशन मेड इन द रिपोर्टिंग्स आर बाइंडिंग? नो, जो लॉ कमीशन के रिकमेंडिंग्स हैं ये बाइंडिंग नहीं होते, दिस आर नॉट बाइंडिंग। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट पूछा गया, करेक्ट जगह वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये तो हमेशा न्यूज़ में रहता है भाई, इंपॉर्टेंट है ये। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करनी है, इट डिसाइड्स दी आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल सही है। एंड इट इज अ 12 मेंबर बॉडी इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर। नो, इट इज अ 6 मेंबर बॉडी भाई, है ना, 6 मेंबर बॉडी इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, है ना। सो हर 4 साल में देखने को मिलता है ये। दिस इज इनकरेक्ट। एंड इट फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, है ना। ये रिजर्व बैंक ऑफ, गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ चेयरपर्सन, नॉट द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यहाँ पे जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? गवर्नर ऑफ आरबीआई। सो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट होगा वन ओनली। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट होगा वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 15 है, दी फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, हमको हैवी वाटर का फंक्शन पूछा गया है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हैवी वाटर का क्या फंक्शन है यार? ओके, तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, उसके अंदर जो हैवी वाटर इस्तेमाल करते हैं वो क्या करता है, जो स्पीड है न्यूट्रॉन का उसको कम करता है। इट स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? डिफिकल्ट है। नेशनल वाटर वे नंबर की बात करनी है एंड रिवर सिस्टम किसमें ये लोकेटेड है इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो ये देखो इसमें याद करें कुछ होता नहीं है भाई, क्वेश्चन करोगे तो दिमाग में रहता है वरना भूल जाते हैं इसको। तो नेशनल वाटर वे 16 जो है, नेशनल वाटर वे 16 वो कहाँ पे है? बराक नदी के ऊपर है क्या? नेशनल वाटर वे 16 इज इन बराक रिवर, बिल्कुल सही है। एंड बराक रिवर जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है भाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, है ना, नागालैंड में बहता है ये, नागालैंड के अराउंड। एंड नेशनल वाटर वे 64, नेशनल वाटर वे 64 जो है वो महानदी रिवर रिवर के अंदर है क्या? देखो ये महानंदा लिखा हुआ है, याद रखना, महानंदा रिवर। नो, इट इज इन महानदी रिवर। ओके, नॉट महानंदा, है ना। पारादीप से ये माउथ ऑफ संबलपुर तक है। संबलपुर से लेके पारादीप सी माउथ तक है ये, महानदी रिवर के अंदर है ये, नॉट इन महानंदा। नेशनल वाटरवे 64। एंड नेशनल वाटरवे 96 जो है वो सतलज रिवर के ऊपर है क्या? बिल्कुल सही है, ये हिमाचल प्रदेश पंजाब से होकर जाता है। एंड नेशनल वाटर वे 110 ये किसके ऊपर है भाई? ये यमुना रिवर के ऊपर है। करेक्टली मैच हमसे पूछा गया है। सो सी, तीन पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? मीडियम। लेवेंडर फ्लरिश बेस्ट इन ड्राई वेल ड्रेन सैंडी एंड ग्राविली सॉइल इन सन, क्या ये सही है? क्या जो लेवेंडर होता है वो सैंडी ग्रेवली सॉइल में फ्लरिश करता है? बिल्कुल सही है। एंड कमर्शियली द प्लांट इज गुड मेनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, बिल्कुल सही है। एंड एरोमा मिशन इज लॉन्च बाय द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर। नो, ये एरोमा मिशन जो है जो कि लेवेंडर के साथ डील करता है, इट इज लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनियन और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया था। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2। 17 का क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद रेस्पेक्ट टू द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1952। डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1952, हमको उनके बारे में बताना है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1952 के बारे में करेक्ट बताना है भाई। ठीक है,
दिस एक्ट इज मेड बाय दी और इट्स दिस एक्ट इज मेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू एनक्वायर इनटू मैटर विच आर रिलेटेड और कंसर्न्ड और अफेक्ट द पब्लिक एट लार्ज, है ना। ये एक्ट उसके साथ डील करता है ना। ये एक्ट बनाया गया था फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशंस जो कि इंक्वायर करें पब्लिक मैटर के ऊपर। बिल्कुल सही है, नाम से ही समझ आ रहा है, कमीशन ऑन इंक्वायरी एक्ट। इंक्वायरी किस पे? जो पब्लिक मैटर होंगे उन पे। ओके, एंड बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन सेटअप सच कमीशन ऑफ इंक्वायरी एंड दे कैन अपॉइंट सच कमीशन टू इन्वेस्टिगेट एनी सब्जेक्ट मैटर मेंशन इन द सेवंथ शेड्यूल। बिल्कुल सही है भाई, सेंट्रल स्टेट दोनों ये क्या कर सकते हैं, इसको कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं। एंड इफ द स्टेट गवर्नमेंट सेटअप द कमीशन फर्स्ट देन द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट सेट अप पैरेलल कमीशन ऑन द सेम सब्जेक्ट। ये भी सही है यार, है ना। तो करेक्ट तीनों है हमारे पास। आंसर क्या हो गया हमारे पास? करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है भाई? करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा तीनों। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमको करेक्ट बताना है अबाउट सुपरबर्ग। सुपरबर्ग के बारे में पूछा गया है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। सुपरबर्ग क्या है भाई? सुपरबर्ग जो है एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट होता है। सुपरबर्ग क्या होता है? एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट होता है। एस्पार्टम इज आर्टिफिशियल स्वीटनर। एस्पार्टम की बात करें, 2021-11 में आया था ये, है ना। एस्पार्टम क्योंकि साइंस एंड टेक्स यहाँ पे हमारे पास पूछा जा सकता है, जो चीज़ न्यूज़ में उसके ऊपर ध्यान देना है। एस्पार्टम इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर सोल्ड। अब इसको न्यूज़ से रिलेट करो या फिर आप जो केमिस्ट्री की ज्योग्राफी है उसके लास्ट में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को भी पढ़ सकते हो, उसमें भी ये मैंशन है यार। एस्पार्टम इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर सोल्ड इन दी मार्केट्स। इट कंसिस्ट ऑफ एमिनो एसिड एंड प्रोवाइड कैलोरी लाइक अदर एमिनो एसिड, येट इट इज़ यूज एज लो कैलोरी स्वीटनिंग एजेंट्स इन फूड आइटम्स। वाट इज द बेसिस ऑफ दिस यूज? ठीक है, इसको लो कैलोरी स्वीटनिंग आइटम की फॉर्म में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? बिकॉज एस्पार्टम जो होता है ना वो सेवरल टाइम्स स्वीटर होता है देन द टेबल शुगर एंड हैंस फूड आइटम मेड विद स्मॉल क्वान्टिटीज, ठीक है, सो कम एलर्जीज देता है, कम चीज़ में ज़्यादा मीठापन दे रहा है और इसमें ज़्यादा डालोगे तो मीठा देता है, इसीलिए आप एस्पार्टम का इस्तेमाल करते हैं फॉर लो कैलोरीज। क्वेश्चन 21 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। हमको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? डिफिकल्ट। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सिंस 1973 अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। बिल्कुल सही है भाई, है ना। वन है ना इस बार जो, और जो 1973 से तो सेलिब्रेट किया जा रहा है, और फर्स्ट थीम क्या था इसका? ओनली वन अर्थ, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली वन अर्थ इसका फर्स्ट थीम था, ठीक है। सो इट इज़ करेक्ट फॉर 2023 जो थीम इसका इंपॉर्टेंट होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का, है ना। 2023 के लिए इसका थीम क्या था भाई, है ना। फॉर 2023 द थीम इज़ सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। बिल्कुल सही है, एंड इट इज़ बीइंग को होस्टेड बाई कोट दी लोविर। ये भी सही है, एक कंट्री है ये। एंड स्टेटमेंट नंबर 3 है, इंडिया हैज़ बीन दी होस्ट ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ट्वाइस। इंडिया जो है दो बार वो होस्ट रह चुका है, 2011 में भी एंड 2018 में भी। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ट्रू हमसे पूछा गया है ना। तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं। तो आंसर क्या जाएगा? सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रोजेक्ट 75i इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो 75i है वो किसके साथ रिलेटेड है भाई? 75i जो प्रोजेक्ट है इट इज रिलेटेड टू वर्ड इंडिजिनस कंडक्शन ऑफ और कंस्ट्रक्शन ऑफ सबमरीन्स इन इंडिया। प्रोजेक्ट 75i जो है वो इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन की बात करता है सबमरीन के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ मेनी द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग इंडिया अफ्रीका फोरम सबमिट। हमको बात किसकी करनी है? इंडिया अफ्रीका फोरम सबमिट की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मॉडरेट। ओके, सो इंडिया अफ्रीका फोरम सबमिट की बात करनी है। इट वॉज फर्स्ट हेल्ड इन ईयर 2008। जो इंडिया अफ्रीका फोरम सबमिट है पहली बार कब हुआ था यार? पहली बार कब हुआ था? इंडिया अफ्रीका फोरम सबमिट पहली बार 2008 में हुआ था क्या? बिल्कुल सही है, न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। द थर्ड समिट डिड अवे विथ द बंजुल फार्मूला ऑफ इनवाइटिंग द हेड ऑफ स्टेट, है ना। जो थर्ड समिट हुआ था
उसने बंजुल फॉर्मूला दिया था क्या, टू इनवाइट द हेड ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही है। फोर्थ समिट अफ्रीका में हुआ था क्या? नो, फोर्थ समिट अभी तक हुआ ही नहीं है। ट्रू हमसे पूछा गया तो ओनली टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 24 है, हाउ मेनी ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट बताना है भाई, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल डिफिकल्ट है क्वेश्चन। mRNA वैक्सीन लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फॉरेन प्रोटीन्स इन आवर बॉडीज ट्रिगर आवर इम्यून रिस्पॉन्स। mRNA वैक्सीन जो है वो फॉरेन प्रोटीन्स बनाता है क्या? बिल्कुल सही है, जिससे क्या होता है हमारे पास इम्यूनिटी जनरेट होती है। एंड द फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल ऑफ mRNA वैक्सीन है वॉज डन फॉर रेबीज। नो, पहला जो mRNA ट्रायल हुआ था वो ट्यूमर के लिए हुआ था, नॉट फॉर रेबीज। इंडियाज फर्स्ट mRNA वैक्सीन वॉज डेवलप फॉर COVID-19। बिल्कुल सही है, हमारे पास जो जेमकोवैक-19 था ना, जेमकोवैक-19, ये पहला mRNA वैक्सीन है जो कि इंडिया के अंदर डेवलप हुआ था फॉर COVID-19। इंडियाज mRNA वैक्सीन फॉर COVID-19 वॉज द फर्स्ट सच mRNA वैक्सीन अगेंस्ट द डिसीज। बिल्कुल सही है, इंडिया का जो mRNA वैक्सीन था ना COVID-19 के अगेंस्ट, ये एक तरह से फर्स्ट इस प्रकार का भी दवाई था ये। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा। ओनली थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 24 का सी हो जाएगा भाई। 25 है, कंसिडर द फॉलोइंग टेक्निक्स और फिनोमिना। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। बडिंग एंड ग्राफ्टिंग इन फ्रूट प्लांट है ना, विच ऑफ दी अबव इज आर यूज टू क्रिएट ट्रांसजेनिक क्रॉप। ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाने के लिए हम क्या करते हैं? बडिंग एंड ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का इस्तेमाल करते हैं क्या? बिल्कुल सही है यार, जीन साइलेंसिंग करते हैं। बिल्कुल सही है, देखो देखो यहाँ पे ट्रांसजेनिक क्रॉप, ठीक है, तो ये बडिंग एंड ग्राफ्टिंग से नहीं होता यार। बडिंग एंड ग्राफ्टिंग से ट्रांसजेनिक क्रॉप नहीं बनते, ठीक है। हाइब्रिड बन सकता है, बट ट्रांसजेनिक दो जीन्स हों उसमें है ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल थ्रू बडिंग एंड ग्राफ्टिंग। ओके, तो करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ मेनी द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग सूरीनाम। सूरीनाम के बारे में हमसे पूछा गया है, सूरीनाम के बारे में क्या क्या ट्रू है ये बताना है। एंड इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका है ना। सूरीनाम कहाँ पे है भाई? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में है। बिल्कुल सही है, स्मॉल कंट्री है ये। एंड इट वॉज अ डच कॉलोनी बिफोर गेटिंग इंडिपेंडेंस इन 1975। बिल्कुल सही, इससे पहले डच कॉलोनी था, 1975 इसने इंडिपेंडेंस लिया। इंडियन ओरिजिन पीपल मेक अप द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन सूरीनाम। बिल्कुल सही है, सूरीनाम में मैक्सिमम लोग जो हैं वो इंडियन एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं। ट्रू हमसे पूछा गया है, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आया करेक्ट, सो आंसर हो जाएगा 26 का सी। 27 है, हाउ मेनी द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द इंडियन मानसून। फिर से हमको इंडियन मानसून की बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में तो रहता ही रहता है। द शिफ्ट ऑफ आई टी सीजन इज अ मेजर फैक्टर इन ब्रिंगिंग द साउथ वेस्ट मानसून टू इंडिया। बिल्कुल सही है, जो शिफ्ट है ना प्लेट तिब्बतन प्लेट्यू से जो आई टी सी जेड का है ना बिलो द हिमालयस है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है फॉर ब्रिंगिंग ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। तमिलनाडु कोस्ट रिमेन ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। बिल्कुल सही है, ये रिसीव करता है रिटर्निंग मानसून से, उस समय इसको बारिश नहीं मिल पाती। मानसून एंटर वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश नॉट फ्रॉम साउथ वेस्ट बट फ्रॉम साउथ एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन। बिल्कुल सही है, सपोज ये इंडिया है तो इसका एक ब्रांच इधर से आता है, एक ब्रांच इधर से आता है, तो ये इस ब्रांच से हमारे पास रिसीव करते हैं रेनफॉल। तो ट्रू हमसे पूछा, ट्री हो जाएगा सी। तीन स्टेटमेंट सही है। सेक्शन 124A वॉज इंसर्टेड इन दी आई पी सी ड्यूरिंग द रिजन ऑफ विच वाइस रॉय। 124A जो है वो किसके समय इंट्रोड्यूस किया गया था आई पी सी में है ना? 124A जो है ना वो लॉर्ड मेयो के समय इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके समय इंट्रोड्यूस किया गया था? लॉर्ड मेयो के समय है ना। ये 124A जो है ये डील करता है सीडेशन के साथ है ना, ये डील्स विथ वॉट, डील्स विद सीडेशन, देशद्रोह के साथ डील करता है ये। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 29 है, हाउ मेनी दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग दी कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। हमको बात किसकी करनी है? कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल है मॉडरेट। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी के बारे में बताना है। इट कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे।
कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आता है, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी? नो, इट कम्स अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है हमारे पास कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। एंड इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है भाई? लखनऊ के अंदर, बिल्कुल सही है। एंड दिस अथॉरिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट इन द कंट्री। बिल्कुल सही, उस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सीडेंट हुआ था जो बालासोर वाला, इसकी वजह से यहाँ पे न्यूज़ में था, है ना। सो कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। ट्रू हमसे पूछा गया, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 30 है, कंसिडर द फॉलोइंग, है ना। लेवल कैसा है क्वेश्चन का भाई? डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है ये। कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी, टेबंकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, केशव चंद्र सेन जो थे, इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द अबव। केसी सेन जो थे, केशव चंद्र सेन जो थे, किसके किसके साथ यहाँ पे, किसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ यहाँ पे रिलेटेड है, ये हमसे पूछा गया है। जो टेबंकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन था उसके साथ ये एसोसिएटेड थे, एंड इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के साथ ये एसोसिएटेड थे। बट जो कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी है, इसके साथ राजा राम मोहन रॉय एसोसिएटेड थे। राजा राम मोहन रॉय एसोसिएटेड थे। बट जो टेबरनकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन है, इसके साथ हमारे पास केसी सेन एंड इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के साथ केसी सेन एसोसिएटेड थे। ये जो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन था, इट वॉज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, इट वॉज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। एंड जो है ना, जो हमारे पास टेबरनकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन था, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ स्टोन ऑफ इस मंदिर, ठीक है, मंदिर बनाया इससे। तो हमसे क्या पूछा गया भाई? करेक्ट पूछा गया, तो 2 एंड 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी की बात करनी है भाई हमको, एमएसपी के बारे में हमको पूछा गया है, करेक्ट बताना है हमको। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मीडियम। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज रिकमेंडेड बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। नो, सो कौन रिकमेंड करता है भाई? ओके, इट इज रिकमेंडेड बाय व्हाट? क्वेश्चन में 31 है, इसको रिकमेंड करता है CACP, दैट इज कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। एंड इट इज अप्रूव बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, एंड इट इज रिकमेंडेड बाय कैबिनेट कमिटी ऑन, सॉरी, इट इज रिकमेंडेड बाय कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, एंड इट इज द मिनिमम प्राइस एट विच द गवर्नमेंट बायस द क्रॉप फ्रॉम द फार्मर। बिल्कुल सही है। एंड द सिस्टम ऑफ एमएसपी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1966-67। बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट हमसे पूछा है भाई, एक ही स्टेटमेंट गलत है फर्स्ट वाला, बिकॉज एमएसपी इज नॉट रिकमेंडेड बाई कैबिनेट कमिटी इन इकोनॉमिक अफेयर्स। उसको अप्रूव करता है, बट इसको रिकमेंड करता है कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है भाई, हाउ मेनी दी फॉलोइंग गैसेस आर ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन से हैं ये पूछा गया। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है क्या? बिल्कुल सही है, मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस। ओके, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है क्या? बिल्कुल सही। देखो नया पैटर्न में है, यहाँ पे आप एलिमिनेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको पूरा पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, कौन सा नहीं है, ठीक है। क्या मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है? बिल्कुल सही। नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस है? नहीं है भाई। वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस है? बिल्कुल सही है। आर्गन, आर्गन एक ग्रीन हाउस गैस है क्या? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है क्या? बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। मेजर मेजर ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CFCs हो गए, वाटर वेपर भी तो होता है यार, वाटर नहीं है, वाटर वेपर। ओके, तो हाउ मेनी आर ग्रीन हाउस गैसेस? यहाँ पे तीन ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हाउ मेनी द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द कॉटन कल्टीवेशन? हमको क्या बताना है भाई? कॉटन कल्टीवेशन के बारे में करेक्ट बताना है, कॉटन कल्टीवेशन के बारे में। कॉटन कल्टीवेशन खरीफ क्रॉप है क्या? बिल्कुल गलत है यार, है गलत नहीं है भाई, सही है, बिकॉज
है ना, इंडिया इज द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर, और इसको खरीफ सीजन में प्रोड्यूस किया जाता है, पानी मौसम में इसको प्रोड्यूस किया जाता है। एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप 5 प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, पहले नंबर का है, दूसरे नंबर पे चाइना है। बीटी कॉटन वॉज इंट्रोड्यूस इन 2002, क्या बीटी कॉटन को 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था क्या? नो, 1993 में यूएस ने इंट्रोड्यूस किया था भाई इसको। सो 33 का करेक्ट पूछा गया है, इंट्रोड्यूस इन इंडिया। देखो दुनिया भर में तो इसको 1993 में लिया गया था, लेकिन बस इंडिया के अंदर 2002 में लाया गया था। बिल्कुल सही है, तो करेक्ट हो जाएगा, 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द मेडन जूलियन ऑसिलेशन। हमको बात करनी है मेडन जूलियन ऑसिलेशन की। इट इज़ एन ईस्टवर्ड मूविंग सिस्टम नियर द इक्वेटर, ये वेस्टवर्ड मूविंग होता है यार, इस प्रकार मूव करता है यार, है ना। सो इट इज़ नॉट अ, अभी इस प्रकार तो ये इसी तो है। सो इट इज़ अ ईस्टवर्ड मूविंग नियर द इक्वेटर, बिल्कुल सही है। एंड इट हैज़ अ पीरियडिसिटी ऑफ 30 to 60 days, बिल्कुल सही है, हर 30 से 60 दिन में देखने को मिलता है, ट्रू हमसे पूछा गया है ना। एंड इट्स प्रेजेंस ओवर द इंडियन ओशन रीजन ड्यूरिंग द मानसून हेल्प ब्रिंग गुड ग्रेन, बिल्कुल सही है। जो MJO है ना वो बारिश को बढ़ाता है कि कम करता है? MJO जो है वो बारिश को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। ओके सो टू हो जाएगा, 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है, द मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी इंक्रीज विद विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 में आ चुका है, मनी मल्टीप्लायर कब बढ़ेगा भाई? बैंकिंग हैबिट के बढ़ने से, तो याद हो चुका है अभी तक, है ना। बैंकिंग हैबिट से बढ़ने से मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, मतलब जब 100 रुपये डबा करेंगे बैंक में तो उसी को तो लोन देंगे यार, अब वो मनी 100 रुपये 200 हो जाएगा, 100 रुपये लोन देगा तो, है ना। हाउ मेनी दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, हमसे ट्रू पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल क्या है भाई? ईजी। दी पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट आर ऑफन डेवलप इन कंजक्शन विथ हाइडल पावर प्रोजेक्ट। जो पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट है ना, जो पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट है उसको किसके साथ डेवलप किया जाता है? हाइडल पावर प्रोजेक्ट के साथ, बिल्कुल सही है। एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, बिल्कुल सही है, हाइड्रो पावर तो रिन्यूएबल एनर्जी ही है। एंड दे यूज सरप्लस एनर्जी ड्यूरिंग लो डिमांड टाइम्स इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिमांड ड्यूरिंग पीक आवर्स, बिल्कुल सही है। लो डिमांड जब है तो इसी में ये सरप्लस एनर्जी को डाल देते हैं पीक आवर्स में इसको करने के लिए, तो सही है हमारे पास, करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई। पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट में यही काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाउ मेनी द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच। क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। रेपो रेट क्या होता है? द रेट एट विच कमर्शियल बैंक गिव आउट लोन्स, ठीक है। तो रेपो रेट जो है रिपर्चेस ऑपरेशन है, RBI जो है ना वो कमर्शियल बैंक को जिस रेट पर देती है उसको रेपो रेट बोलते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। रिवर्स रेपो में क्या होता है भाई? बैंक जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो RBI के पास पैसा रखते हैं। द रेट एट विच कमर्शियल बैंक टेक्स लोन फ्रॉम RBI, गलत है, तो रेपो रेट हो जाएगा। SLR क्या है भाई? सिडिटरी लिक्विड रेशियो, मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट टू बी मेंटेन बाय कमर्शियल बैंक एज ए लिक्विड एसेट। एस मतलब सेल्फ, खुद के पास एज अ लिक्विड एसेट रखने चाहिए, है ना। लिक्विड एसेट की फॉर्म में तो नहीं, है ना, मतलब हाँ बिल्कुल चाहिए। जैसे लिक्विड एसेट हमारे पास, लिक्विड एसेट मतलब लिक्विड कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, या फिर सिक्योरिटीज के फॉर्म में, जो मिनिमम वो रखते हैं, है ना, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कैश सिक्योरिटीज, उसको हम क्या बोल रहे हैं? SLR बोल रहे हैं। सो दिस इज करेक्ट, हमारे करेक्ट पूछा है तो कट जाएगा, ओनली वन पेयर। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मॉन्यूमेंट एंड द रूलर्स बाय हुम इट वॉज कंस्ट्रक्टेड आर करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है मीडियम, है ना। रूलर्स दिए हैं, उसके मॉन्यूमेंट जो उन्होंने बनाया उसके बारे में बात करना है। सीरी फॉल्ट, जो सीरी फॉर्ट है उसको किसने बनाया बे? बे क्या हो रहा है? सीरी फॉर्ट को किसने बनाया भाई? सीरी फॉर्ट को अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया है क्या? बिल्कुल सही है ना। जो उनका कैपिटल था अलाउद्दीन खिलजी का, है ना, उनके समय सीरी कैपिटल था, तो वहाँ पे सीरी फोर्ट बनाया था अराउंड 1300 सेंचुरी में, 13 सेंचुरी में। सो दिस इज करेक्ट। जंतर मंतर किसने बनाया था? महाराजा जय सिंह टू, बिल्कुल सही है, महाराजा जय सिंह टू ने जंतर मंतर बनाया था, है ना। जंतर मंतर कहाँ कहाँ पे है भाई? जयपुर में है, दिल्ली में है, उज्जैन में है, मथुरा में है, वाराणसी में है।
कोणार्क सन टेम्पल जो है नरसिम्हा देवा वन के समय बना था, बिल्कुल सही है। नरसिंह देवा वन जो थे वो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे, तो ये भी 12th सेंचुरी के अराउंड बना, 13th सेंचुरी में, है ना। और जो पुरी का सन टेम्पल है वो भी ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर ने बनाया है भाई। ओके, एंड कुतुब मीनार को किसने बनाया भाई, बच्चे बच्चों को पता है कुतुब मीनार को? इल्तुतमिश ने बनाया है। हाँ, कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने बनाया है क्या? देखो भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट तो किया है, बट ख़त्म किसने किया इसको? इल्तुतमिश ने। तो हाँ सही है, मान लेते हैं। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 39 है, हमसे ट्रू पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? इजी। IMD जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, इज डेजिग्नेटेड एज द रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर फॉर 13 नेशन के, 13 नेशंस के लिए यहाँ पे हमारे पास काम करता है यार ये। बिल्कुल सही है, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर 13 नेशंस के लिए। एंड द नेमिंग ऑफ द साइक्लोन्स इन द नॉर्दर्न इंडियन ओशियन रीजन स्टार्टेड इन 2004। बिल्कुल सही है, 2004 से स्टार्ट हुआ था ये, उससे पहले सुनामी आई थी ना, बहुत खतरनाक वाली, इसलिए। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा सी, बोथ वन एंड टू इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज द यूज ऑफ बायोचार इन फार्मिंग? प्रीवियस क्वेश्चन 20 में आ चुका है, हमको बताना है बायोचार क्या इस्तेमाल है फार्मिंग के अंदर। बायोचार कैन बी यूज एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। ग्रोइंग मीडियम में ऐसे काम कर सकते हैं इसको वर्टिकल फार्मिंग में, बिल्कुल सही है। मतलब जो स्टोरी बाय स्टोरी फार्मिंग होता है ना, इसमें ऐसे ऐसे इसमें बायोचार का इस्तेमाल कर सकते हैं हर स्टोरी के अंदर, है ना। व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इट प्रमोट ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही है, व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इट एनेबल द मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर अ लॉन्गर टाइम। ये भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं भाई। 41 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू, हमको बात सी करनी है, गवर्नर की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मीडियम। विथ रिगार्ड टू मनी बिल ही मे गिव हिज असेंट टू द बिल, ही मे विथहोल्ड हिज असेंट एंड ही मे रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस, है ना। क्या ये सही स्टेटमेंट है भाई? क्या ये सही स्टेटमेंट है ना? गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज गवर्नर कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल, है ना, कैन नॉट रिटर्न, है ना, कैन नॉट रिटर्न एंड ही कैन नॉट पार्डन दैट सेंटेंस। बिल्कुल सही बात है ना। एंड ही कैन नॉट एंड ही कैन नॉमिनेट वन मेंबर टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ऐसा नहीं है भाई, है ना। जो स्टेट में अमेंडमेंट हुआ था, ये जो प्रोविजन था उसको 104th अमेंडमेंट से ये हटा दिया गया था, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा वन, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। ये आर्टिकल 331 में था कि एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट करना था, बट 104th अमेंडमेंट से हटा दिया गया, बिकॉज पॉपुलेशन ही नहीं है उतना, तो क्यों हम नॉमिनेट करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, विद रेस्पेक्ट टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन, हमको क्या बात करनी है? हमको बात करनी है अबाउट द स्टेट इलेक्शन कमीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमको स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करनी है, हमको बताना है करेक्ट क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उसको कौन अपॉइंट करेगा? ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करेगा भाई? गवर्नर अपॉइंट करेगा क्या? हाँ बिल्कुल सही है, स्टेट इलेक्शन कमीशन में जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको गवर्नर अपॉइंट करता है, बिल्कुल सही है। एंड ही शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट इन द मैनर एंड ऑन द ग्राउंड प्रिस्क्राइब फॉर द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। बिल्कुल सही है, मतलब स्टेट हाई कोर्ट के जज को जैसे रिमूव करते हैं, उसी प्रकार के स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स होंगे उसको रिमूव किया जाएगा। करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बोथ। क्वेश्चन नंबर 43 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। अल नीनो टिपिकली फेवर्स स्ट्रॉन्गर हरिकेन एक्टिविटी इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक बेसिन एंड सप्रेसेस इन द एटलांटिक बेसिन। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है भाई, अल नीनो जो होता है ना वो क्या करता है, जो अटलांटिक है वहाँ पे हमारे पास सप्रेस करता है जो हरिकेन एक्टिविटी है उसको, और जो पैसिफिक ओशियन है ना, जो ईस्टर्न पैसिफिक है एंड सेंट्रल पैसिफिक है वहाँ पे क्या करता है, इसको बढ़ा देता है, बिकॉज
देखो भाई, सपोज ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये सेंट्रल पैसिफिक है या ना, ये ईस्टर्न पैसिफिक है, तो जो अलनिनो होता है ना, अलनिनो के समय क्या होता है हमारे पास, अलनिनो के समय क्या होता है हमारे पास वार्म इधर हो जाता है, ठीक है ना। वार्म जो होता है वो इस तरह का आता है, तो ये ईस्टर्न पैसिफिक हो गया, सेंट्रल पैसिफिक। तो वार्म जहाँ पे क्लाइमेट होगा, जहाँ पे टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा होगा, वहाँ पे हरिकेन के कंडीशंस बनते हैं। तो बिल्कुल सही का बात है ये, अलनिनो एंड लानिना इफेक्ट बोथ द ओशन एंड द एटमोसफियर। बिल्कुल सही बात है, अलनिनो लानिना एटमोसफियर को भी इफेक्ट करते हैं, ओशन को भी इफेक्ट करते हैं। लानिना रिफर्स टू अ बैंड ऑफ वार्मर वाटर स्प्रेडिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। लानिना में जो वाटर है वो कहाँ से कहाँ स्प्रेड करता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ स्प्रेड करता है क्या ना। लानिना के समय क्या होता है, जो ये तो अलनिनो के समय होता है, जो वार्म करंट है वो किसकी तरफ जाता है, ईस्टर्न वार्म। बट लानिना के समय क्या होता है, अपोजिट होता है भाई, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2। 43 का आंसर हो जाएगा बी। 44 है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी की बात करनी है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, ठीक है। एमएसपी किसको दिया जाता है भाई, लेवल कैसा है, मीडियम लेवल क्वेश्चन है। पैडी को मिलता है क्या एमएसपी, बिल्कुल सही है, पैडी को एमएसपी मिलता है। ग्राउंड नट को मिलता है क्या, बिल्कुल मिलता है। रॉ जूट को मिलता है, बिल्कुल मिलता है। सनफ्लावर सीड को मिलता है, रागी को मिलता है, बिल्कुल सही है। सो आंसर इज 1 2 3 4 5, सारे के सारे को यहाँ पे क्या मिलता है भाई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। ओके हमारे पास तो गवर्नमेंट 22 क्रॉप्स के लिए यहाँ पे अनाउंस करती है एमएसपी, एंड जो शुगर केन है उसके लिए हमारे पास फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस अनाउंस करती है ना। जिसमें से 14 क्या है, खरीफ क्रॉप है, एंड 6 क्या है, राबी क्रॉप है, प्लस 2 जो कमर्शियल क्रॉप है, ठीक है। क्वेश्चन है 45 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लूटूथ एंड, देखो भाई ये लेवल डिफिकल्ट है, 11 में आ चुका है, हमको ब्लूटूथ एंड वाईफाई के बीच में डिफरेंस बताना है। ब्लूटूथ यूजेस 2.4 GHz रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड, वेयर वाईफाई कैन यूज 2.4 एंड 5 GHz फ्रीक्वेंसी। ब्लूटूथ इज यूज फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क ओनली, वेयर एज वाईफाई इज यूज फॉर वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क ओनली। क्या सही है भाई, पहली बात तो पहला आंसर सही है कि ब्लूटूथ जो है 2.4 GHz पे काम करता है, वाईफाई 2.4 एंड 5 GHz दोनों पे काम करता है ना। सो ये सही हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट ये है कि ब्लूटूथ जो है ना वो 10 मीटर या फिर उससे कम रेंज में ही काम करता है, बट वाईफाई थोड़े से बड़े रेंज में काम करता है ना। क्वेश्चन नंबर 46 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू पीएम स्वनिधि। हमको बात किसी करनी है, पीएम स्वनिधि की बात करनी है। मीडियम लेवल क्वेश्चन है, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, दैट इज पीएम स्वनिधि वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्या इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया था, नहीं, इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया था, इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया था। वेंडर कैन अवेल है ना, वेंडर कैन अवेल अ वर्किंग कैपिटल लोन ऑफ अप टू ₹1 लाख विच इज रीपेबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट इन 10 ईयर्स ऑफ 1 ईयर। बिल्कुल सही, एक तरह से लोन देता है ना, एक तरह से यहाँ पे ये लोन दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये लोन 1 लाख का नहीं होता, ये लोन वहाँ पे अप टू 5 लाख, ठीक है, 5 लाख का यहाँ पे लोन मिल जाता है। ओके दिस इज इनकरेक्ट, एंड इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है भाई। हमारे पास सेंट्रल सेक्टर मतलब 100% कौन फंड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके करेक्ट, हमसे पूछा गया, कोई सा भी करेक्ट नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 47 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, डिफिकल्ट। द वेस्टर्न साइड ऑफ द अरावली, ओके सो वेस्टर्न साइड ऑफ द अरावली, सपोज ये अरावली है ना, ये अरावली माउंटेन्स हो गए है ना। वेस्टर्न साइड ऑफ द अरावली मतलब ये हो गया, वेस्टर्न साइड ऑफ द अरावली इज अ रेन शेडो एरिया एंड फेस थार डेजर्ट, फेस द थार डेजर्ट, हैंस हैज स्पेयर वेजिटेशन। द ईस्टर्न साइड इज बायोडाइवर्सिटी रिच विथ वेटलैंड्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड ग्रीन वेजिटेशन। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे ज़्यादा टकराता है, साउथ में मानसून में बारिश हो जाती है।
ऑल द रिवर्स ऑफ राजस्थान हैव देयर ओरिजिन फ्रॉम अरावली, क्या सारे के सारे रिजर्वर, एक्सट्रीम वर्ड है भाई, ऑल ऑल ऑल, नॉट ऑल द रिवर्स हैव देयर ओरिजिन, है ना, मोस्ट ऑफ द रीजन, मोस्ट ऑफ द रिवर जो है इसका ओरिजिन कहाँ से मिलता है, अरावली से होता है, बट नॉट ऑल, सो दिस इज इनकरेक्ट, है ना, बिकॉज जैसे चंबल जो है जो कि राजस्थान में बहता है, उसका जो ओरिजिनेट होता है वो एमपी से ओरिजिनेट होता है, दिस इज इनकरेक्ट, द अरावली रेंज पासेस थ्रू द स्टेट ऑफ राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एंड गुजरात, बिल्कुल सही बात है भाई, करेक्ट हमसे पूछा गया है, अरावली हिल्स लाई परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड, सपोज ये ऐसे जा रहा है, नो इट लाइज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड, इसलिए उतना बारिश नहीं हो पाता, ठीक है, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली टू, क्वेश्चन नंबर 48 है विथ रेफरेंस टू ब्रह्मोस मिसाइल, हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है ब्रह्मोस मिसाइल की, हमसे करेक्ट पूछा गया है, ब्रह्मोस मिसाइल ऑल्सो यूटिलाइज अ फायर एंड फॉरगेट सिस्टम रिक्वायरिंग नो एडिशनल इनपुट फ्रॉम द ऑपरेटर वंस द मिसाइल हैज़ बीन लॉन्च, क्या ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पे बेस्ड है भाई, क्या ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पे बेस्ड है, बिल्कुल सही है, टारगेट लॉक करो, भूल जाओ, इंडोनेशिया इज द फर्स्ट फॉरेन कंट्री टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेस ऑफ द ब्रह्मोस, क्या पहला देश है फिलीपीन, इंडोनेशिया, नो, पहला देश जो है वो है फिलीपींस, ठीक है ना, जिसने ऑर्डर प्लेस किया है ब्रह्मोस का, सो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 49 है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्रीन रिवॉल्यूशन, हमको बात किसकी करनी है, ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करनी है, इनकरेक्ट बताना है ना ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, एम एस स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल सही है, ऐसा लगेगा लोगों को, है ना, और सही ही है, इनकट हमसे पूछा गया है ना, एम एस स्वामीनाथन को बोला था फादर, लेकिन ये गलत है भाई, बिकॉज हमसे देखो इनकट इन द वर्ल्ड बोला, तो एम एस स्वामीनाथन इज नॉन द फादर ऑफ रिवॉल्यूशन इन इंडिया, जो नॉर्मन बर्लॉग है, नॉर्मन बर्लॉग है, ही वॉज नॉन द फादर ऑफ रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960s इंडिया इंडियन फार्मर कल्टिवेटेड वीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ HYV सीड्स, बिल्कुल सही है, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन पंजाब, पहली बात ये भी सही है भाई, एंड द ग्रीन रिवॉल्यूशन स्प्रेड ओनली इन इरीगेटेड एंड हाई पोटेंशियल रेनफेड एरियाज, द विलेज एंड अदर विलेज और रीजन्स विदाउट द एक्सेस ऑफ सफिशियंट वाटर वेयर लेफ्ट आउट विच वाइडेंस दी रीजनल डिस्पैरिटीज बिटवीन अडोप्टर्स एंड नॉन अडोप्टर्स, बिल्कुल सी, इसलिए जो पंजाब की किसान है बहुत अमीर हो गए, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड हमसे इनकरेक्ट तो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 50 है विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, हमको बात किसकी करनी है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, एक क्वेश्चन आ चुका है 2011 में, है ना, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करनी है, उषा मेहता इज वेल नोन फॉर, उषा मेहता क्यों जाना जाता है, रनिंग अ सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन वेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, बिल्कुल सही बात है यार, है ना, सीक्रेट जब क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था तो ये क्या करते थे, सीक्रेट रेडियो कांग्रेस चलाते थे ये, क्वेश्चन नंबर 51 है विच ऑफ द फॉलोइंग और विच ऑफ द पेयर ऑफ डिफेंस एक्सरसाइज एंड द कंट्री इन्वॉल्व इज करेक्टली मैच, हम क्या करना है, डिफेंस एक्सरसाइज एंड कंट्री इन्वॉल्व इज करेक्टली मैच, हमसे पूछा गया है, डिफिकल्ट है भाई, ठीक है, तो यूक्रेन, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले पूछा, इसीलिए हम यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन बना रहे हैं यार, ठीक है, तो एक्सरसाइज यूक्रेन किसके किसके बीच में है, इंडिया एंड मालदीव के बीच में है, बिल्कुल सही है ना, खान क्वेस्ट जो है वो इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में है क्या, हाँ ना, बिल्कुल सही है, एंड लैमिटी इंडिया श्रीलंका के बीच में है क्या, नो, लैमिटी इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सीशिल्स, लैमिटी एंड डस्ट लीक इज बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, बिल्कुल सही है, डस्ट लीक इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में है, एक्वेरिन जो है वो इंडिया मालदीव के बीच में है, खान क्वेस्ट इंडिया मंगोलिया के बीच में है, सो हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओनली थ्री पेयर्स, 51 का सी,
52 है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग दी इंडो नेपाल रिलेशनशिप। हमको क्या बताना है भाई, इंडो नेपाल रिलेशनशिप के बारे में बताना है। द इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप वॉज साइन इन 1950। जो इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप था वो कब साइन किया गया भाई, 1950 में साइन किया गया गया, बिल्कुल सही है। एंड द मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन एक्सिस बिटवीन टू कंट्रीज, बिल्कुल सही है। जो मोतीहारी एंड अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन है वो इन दोनों कंट्री के बीच में चलता है। एंड इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग दी पंचेश्वर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नेपाल, बिल्कुल सही है। महाकाल ड्यूटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। सो हमसे क्या पूछा गया है यार, हमसे करेक्ट पूछा गया तो करेक्ट हो जाएगा सी, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 53 है, वन फ्यूचर अलायंस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हमसे पूछा गया वन फ्यूचर अलायंस जो है वो किसके साथ रिलेटेड है भाई, इजी लेवल का क्वेश्चन है ये, है ना। वन फ्यूचर अलायंस इज रिलेटेड टू वॉट, वन फ्यूचर अलायंस इज रिलेटेड टू डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। वन फ्यूचर अलायंस में हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। जो लाइक माइंडेड नेशंस हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, जिससे वो क्या कर पाएँ, पीपल के जो लाइफ है उसको इम्प्रूव कर पाएँ। सो वन फ्यूचर अलायंस इज़ फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों की ज़िंदगी को और बेहतर करा पाएँ। जैसे कि हमारे पास सर्विस डिलीवरी आसान हो, ज़्यादा दफ्तर में जाना ना पड़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 है, आइडेंटिफाई दी करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी स्वालबार्ड। हमको बात किसकी करनी है, स्वालबार्ड की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, डिफिकल्ट। स्वालबार्ड के बारे में बताना है। स्वालबार्ड इज द वर्ल्ड नॉर्दर्न मोस्ट इनहेबिटेड लैंड। स्वालबार्ड जो है वो दुनिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट इनहेबिटेड लैंड है क्या, बिल्कुल सही है। एंड इट इज द पार्ट ऑफ रशिया, नो स्वालबार्ड इज द पार्ट ऑफ नॉर्वे। इसरो इन 1997 वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ऑपरेशनलाइजिंग अ न्यू रॉकेट लॉन्चिंग रेंज देयर। इसरो 1997 में एक रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर यहाँ पे बनाया था क्या, बिल्कुल सही है, करेक्ट। हमसे पूछा है तो दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। 54 का आंसर हो जाएगा बी। 55 नंबर का क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विच डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ अदर्स, ठीक है, क्रैब माइट्स स्कॉर्पियन स्पाइडर। देखो भाई यहाँ पे क्रैब जो है ना ये क्रस्टेशियन से बिलोंग करता है, एंड बाकी सब जो है वो इंसेक्टा से बिलोंग करता है, ऑर्डर है ये सब। किसके अंदर आते हैं, दिस आर ऑल कम्स ऑफ एंथ्रोपोइड्स, ठीक है, मतलब ये सब किसके अंदर आते हैं, अरेखनिड्स के अंदर। माइट, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर आर अरेखनिड्स। ओके, सो हमसे पूछा गया है अलग कौन है भाई, यहाँ पे इजी लेवल का क्वेश्चन है। अलग कौन है भाई, अलग है हमारे पास क्रैब। क्वेश्चन 56 है, हाउ मेनी दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड। हमको क्या करना है भाई, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड के बारे में बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज मैंशन इन द कंट्रीज फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। जो नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड है उसको पहली बार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर मेंशन किया गया था, बिल्कुल सही है। एंड इट वॉज एस्टेब्लाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2021, बिल्कुल सही है। स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड आर टू बी एस्टेब्लाइज विथ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनली दी स्टेट। क्या 80% स्टेट के कंट्रीब्यूशन से हम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड बनाएंगे, नो, फ्रॉम बोथ सेंटर एंड स्टेट, सो दिस इज इनकरेक्ट। ट्रू पूछा है तो ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, 57 है, हाउ मेनी दी फॉलोइंग पेयर ऑफ पपेट्री आर्ट फॉर्म एंड द स्टेट दे बिलोंग आर करेक्टली मैच। हमको क्या करना है, जो पपेट्री पेयर ऑफ पपेट्री एंड द आर्ट फॉर्म किस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं उसके साथ उसको मैच करना है। क्वेश्चन डिफिकल्ट है यार, है ना। रावण छाया कहाँ का है इंपॉर्टेंट है, देखो प्रीवियस से क्वेश्चन ऐसा आ चुका है, आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। रावण छाया इज फ्रॉम उड़ीसा, बिल्कुल सही है। पुतुल नाच इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ये भी सही है। थोलू बोमलट्टा इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। एंड कठपुतली इज फ्रॉम राजस्थान, ये भी सही है। रावण छाया फ्रॉम उड़ीसा है ना, पतुल नाच फ्रॉम वेस्ट बंगाल, थोलू बोमलट्टा फ्रॉम आंध्र प्रदेश, कठपुतली फ्रॉम राजस्थान, चारों के चारों सही हैं,
सही हमसे पूछा, तो ऑल फोर इज करेक्ट। 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, हमसे ट्रू पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल क्या है भाई, मॉडरेट। द यूएस लेफ्ट यूनिस्को फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2018। यूएसए ने यूनिस्को को पहली बार कब लेफ्ट किया था भाई, 1988 में, 84 में लेफ्ट किया था, फिर से रिजॉइन कर लिया था 2003 में। ठीक है, चाइना इज द बिगेस्ट डोनर ऑफ यूनिस्को राइट नाउ, नो, जो बिगेस्ट डोनर है यूनिस्को का वो जापान है भाई। दिस इज इनकरेक्ट, ट्रू हमसे पूछा गया, तो नाइदर वन नॉट टू इज ट्रू। क्वेश्चन 59 है, मियोन वॉल्केनो, बात किसकी करनी है अपने को, मियोन वॉल्केनो जो जिसका रिसेंट इरप्शन हुआ था वो कौन सी कंट्री में है भाई, कौन सी कंट्री में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है। सो मियोन वॉल्केनो इज इन विच कंट्री, इट इज़ इन फिलीपींस। मियोन वॉल्केनो कहाँ पे है भाई, फिलीपींस में है, एक एक्टिव वॉल्केनो है साउथ ईस्टर्न लुजोन में। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन क्लाइमेट फंड इज करेक्ट, हमको क्या करना है भाई, हमको बात करनी है ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में, क्या बताना है, करेक्ट क्या है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है मॉडरेट। ग्रीन क्लाइमेट फंड, इट इज इंटेंडेड टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन एडॉप्शन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल सही बात है भाई, है ना, क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया था। एंड इट इज़ फाउंडेड अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, OECD, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक। गलत है भाई, जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है ना, उसको एस्टेब्लाइज किया था यहाँ पे, जो फाइनेंशियल पार्टनर है, फाइनेंशियल फ्रेमवर्क जो है वो क्या है, UNFCCC इसको फंड करता है, मतलब यहाँ पे रिच नेशंस भी होंगे, डेवलपिंग नेशंस भी होंगे, सारे के सारे इसको फंड करते हैं। ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ए। ओके, तो ये पार्ट वन है भाई, जहाँ पे हमने 60 क्वेश्चंस कवर किए, नेक्स्ट पार्ट में बाकी की जो 75 क्वेश्चंस वो कवर करेंगे।